हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए आज फिर से मैथ पढ़ाने के लिए आया हूं। मैं आप लोगों को क्लास 10 की मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसके दो पार्ट मैंने बना दिया है और आज हम उसी के आगे चलेंगे। और हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। आज हम आपको बताएंगे एलसीएफ कैसे निकाला जाता है और एचसीएफ का दूसरा तरीका भी बताएंगे कि एचसीएफ दूसरे तरीके से भी कैसे निकाला जाता है। अब तक हमने आपको भाग भी द्वारा बताया था कैसे निकाला जाता है, उसमें यूक्लिड, जिसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय भी कहते थे। आज हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बताएंगे कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है या फिर एलसीएफ कैसे निकाला जाता है। आइए जानते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे छोटी संख्या लेते हैं, 10 और 15 ही लेते हैं। अब आपसे इससे पूछा गया कि इसका एचसीएफ बताइए, इसका एलसीएफ बताइए, तो आप इस तरीके से निकालते होंगे। जैसे 10 को हम 2 मल्टीप्लाई 5 और 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5। अगर आपसे इसमें पूछा जाता है एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ मतलब आपको पता होगा क्या होता है, मासा। तो इन दोनों में जो कॉमन हो, जो कॉमन हो उसको लिख लेते। तो इसमें केवल 5 कॉमन है तो हम केवल 5 लिख लिए, बस इसका आंसर यही हो जाएगा। अगर आपसे इसमें पूछ लिया जाता है एलसीएम, लासा निकालो एलसीएम, तो इसमें अब इसमें हम ढूंढेंगे जो कॉमन होगा वो भी, जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी, यानी जो संख्या जितनी बार लिखी होगी उसको हम उतनी बार लिखेंगे। जैसे इसमें 2×5, तो इसमें एक बार 2 है और इसमें नहीं है तब भी हम 2 लिखेंगे। इसमें 3 है एक बार, इसमें नहीं है तो भी हम लिखेंगे 3। अब यहां पर 5, एक बार यहां 5 है, एक बार यहां 5 है, तो दोनों में से एक ही बार हम नोट करेंगे 5। तो अब इसका एलसीएम क्या आ गया, 2×3 6 6×5 30। तो एलसीएम क्या आ गया, 30, और मासा क्या आ गया, 5। अब हम इससे थोड़ी बड़ी संख्या लेके आउट करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि लासा मासा इस मेथड से कैसे निकाला जाता है। यह मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं इसे। अभाज्य तो आप जानते ही होंगे, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक से और खुद से कटे। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक से और खुद से कटे, जैसे 2, ये केवल 2 से ही कट सकता है और एक से कट सकता है। 3, ये केवल एक से कटेगा और 3 से ही कटेगा। अगर हम 4 लेते हैं, 4 जो है 2 से कट जाएगा तो इसलिए 4 नहीं होता है। 5 केवल 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। 7 अभाज्य है, 11 अभाज्य है, 13 अभाज्य है, 15 चेक करते हैं, 15 किस से कर सकता है, 3 से भी कर सकता है, 5 से भी कर सकता है, तो ये अभाज्य नहीं है। 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, इसी तरह आगे बहुत सारी संख्याएं हैं। तो हम चेक कर सकते हैं जब कोई संख्या होगी वो या तो खुद एक से कटेगी या फिर खुद से, तो ऐसी जो संख्या होंगी वो क्या, कौन सी संख्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी। तो हम आपको एलसीएम एचसीएफ बता रहे थे, तो एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा आइए जानते हैं। और आगे जैसे पूछ लिया जाता है कि 36 और 48 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, 36 और 48 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 2×2 3×3 लिख सकते हैं। यहां पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, 2×2 4, 4×3 12, 12×3 36। इसी तरह 48 क्या होगा, 2×2×2×2, 2×4×8×16, उसके बाद 3। ये आप दूसरे इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको 36 का निकालना है तो आपको पता है क्या किया जाता है, सबसे पहले 2 से, तो यहां से क्या आएगा, 18 आ जाएगा,
फिर हम 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर हम 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर यहां पर 3 से फिर करेंगे 1, तो जब 1 आ जाएगा तो हम रुक जाएंगे। तो वही चीज यहां पे लिखी गई है 36 का ये, तो आप इस तरीके से लिख कर सकते हैं, लेकिन बस आप इसको रफ में कीजिएगा, जो लिख के उसके बाद यहां से काट दीजिएगा। इसी तरह 48 का भी हम कर सकते हैं इस तरीके से, पहले हम 2 से करेंगे तो यहां 24 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 12 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो वही चीज हमने यहां पे नोट किया है। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें एससीएफ कैसे चेक करेंगे, आइए जानते हैं। एससीएफ अब ढूंढते हैं कॉमन क्या क्या है। सबसे पहले इसमें 2 कॉमन मिल गया, एक हमें 2 लिख दिया, फिर इसके बाद 2 यहां भी कॉमन मिल गया तो 2 लिख दिया। अब इसमें हम ढूंढते हैं 3, 3 इसमें है तो 3 यहां पर भी है, इसको हमने बना दिया। अब 3 यहां पर है, इसमें कोई और 3 बचा है तो देखेंगे, नहीं बचा तो फिर हम उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो यहां पे क्या आ गया, 12 एससीएफ आ गया। और एलसीएम में क्या करेंगे हम, अगर एलसीएम हमें निकालना तो क्या करेंगे, एलसीएम में क्या हो जाएगा, हम देखते हैं कि 2 कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार किस लाइन में है। जैसे इसमें 2 बार है 2 और इसमें 4 बार है, तो जिसमें ज्यादा रहेगा वही हम लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 3 ढूंढेंगे, इसमें 3 2 बार है और इसमें 1 बार, तो इसमें ज्यादा बार है तो जिसमें ज्यादा बार रहेगा वही हम लिख देंगे। बस अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, 16 तीन 48, 48 गुणे 3 तो क्या आ जाएगा, 144। तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 144, और एससीएफ क्या आया था, 12। तो आप लोग इस क्रम देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आपको अभाज्य गुणनखंड भेद समझ में आ गया होगा, कैसे निकाला जाता है उसका भी हमने मेथड बताया, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कोई भी संख्या होगी। तो अब हम आपको एक सूत्र बताते हैं, फार्मूला बताते हैं। क्या फार्मूला होता, फार्मूला ये होता है कि ये फर्स्ट सेकंड इक्वल टू एससीएफ मल्टीप्लाई एलसीएफ, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एससीएफ गुणे एलसीएफ, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हिंदी में बराबर मासा गुणे लासा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। जैसे अभी हमने आपके लिए 36 और 48 का एससीएफ निकाला था, एससीएफ निकाला था तो 12 आया था, और एलसीएम निकाला था तो क्या आया था, 144 आया था। इसके पहले आपने देखा होगा, तो यहां पर वही चीज सारी वैल्यू रखते हैं हम। जैसे फर्स्ट संख्या क्या होगी, 36, और सेकंड संख्या क्या होगी, 48। अब अगर हम इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 36 का और 48 का जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8 छक 48 4, 8 त्रिक 24 4 28, और यहां पे क्या आ जाएगा, 6 चौक 24 और 4 तीन 12 2 14, यानी 8 और 8 4 12, 4 2 6 7 और ये 1728, यानी क्या आ जाएगा, 1728। और इन दोनों का मासा क्या आया था आपको पता है, 12 आया था, और एलसीएम क्या आया था, 144 आया था। तो जब इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728 आ जाएगा। तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि दोनों तरफ बराबर आया है, यानी कि अब इस फॉर्मूले का क्या यूज होगा, हम अभी आपको आगे आने वाले प्रश्नों में बताएंगे कि उस प्रश्नों को कैसे किया जाएगा। तो आप लोग इसका फॉर्मूला नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, ये फॉर्मूला नोट करिए। उम्मीद करते हैं आपने फॉर्मूला नोट कर लिया होगा। चलिए हम आपको एक प्रश्न कराते हैं, 38 25,
मेरे पास जो बुक है उसमें एक क्वेश्चन है 38-25, इसमें कहा गया है कि अभाज्य गुणन खंड विधि द्वारा इसको सॉल्व कीजिए। तो आइए करते हैं, अभाज्य गुणन खंड विधि द्वारा कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहले हम देखते हैं कि ये दो से कटेगा या नहीं कटेगा। तो दो से वही संख्याएं कटती हैं जिसके जो संख्या सम होती है, यानी सम का मतलब क्या होता है, जिसके लास्ट में जीरो हो, दो हो, चार हो, छह हो, आठ हो, तो वो संख्या दो से कट जाती है। तो इसके लास्ट में पांच है यानी ये सम नहीं है, तो दो से नहीं कटेगा। अब हम ट्राई करते हैं तीन से ये कटेगा या नहीं कटेगा। तीन से कटने के एक रूल क्या होता है कि इन सारे नंबर को जोड़ दो। जोड़ने का मतलब जैसे ये तीन है, ये आठ है, ये दो है, ये पांच है, सबको जोड़ दो। तो आठ तीन ग्यारह, ग्यारह दो तेरह और तेरह पांच अट्ठारह। अट्ठारह आपको पता है कि तीन से कटता है। अगर अट्ठारह तीन से कटता है, जब जोड़ने पर जो नंबर आए अगर वो तीन से कट जाता है तो वो नंबर पूरा नंबर तीन से कटेगा। तो यहां पे हमने देखा कि जोड़ने पे क्या आता है 18। तो आपको पता है 18 तीन से कटता है, इसलिए ये नंबर भी तीन से कटेगा। तो आइए करते हैं, तो क्या आएगा, तीन एक तीन, यहाँ पे आठ, तीन दो छह, दो हासिल बचा, दो दो बाईस यानी सात, और यहाँ पे एक पांच, तीन पचे पंद्रह। अब फिर इसको हम एक बार और एड करते हैं, तो दो एक तीन और सात तीन दस, दस पांच पंद्रह। आपको पता है पंद्रह भी तीन से कटता है, तो इसलिए यह नंबर भी तीन से कटेगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, तीन चौके बारह, तीन दूनी छह और तीन पचे पंद्रह। फिर से इसको हम ट्राई करते हैं, तीन से यह कटेगा या नहीं। तो चार दो छह, छह पांच ग्यारह। अब ग्यारह आया, आपको पता होगा ग्यारह तीन से कटता है या नहीं, सोच सकते हैं आप एक सेकंड। तो आपको पता चल गया होगा कि यह नंबर तीन से कटेगा या नहीं, क्योंकि 11 तीन से नहीं कटता, तो यह फिर संख्या तीन से नहीं कटेगा। अब हम तीन के बाद पांच से ट्राई करते हैं, पांच से यह नंबर कटेगा, क्योंकि जिस नंबर के लास्ट में जीरो हो या फिर पांच हो, जीरो हो या फिर पांच हो, वो संख्या हमेशा पांच से कटती है। तो पांच से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, पांच अठे चालीस, फिर उसके बाद यहां पे दो बचेगा, दो पांच यानी पचासी, फिर उसके बाद ये फिर से पांच से हमने किया तो क्या आ जाएगा, सत्रह आ जाएगा, और फिर सत्रह एक अभाज्य संख्या है इसलिए सत्रह से हम डिवाइड कर देंगे। तो इसका 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, तीन गुणे तीन गुणे पांच गुणे पांच गुणे सत्रह। तो उम्मीद करते हैं आपको अब ये समझ में आ गया होगा। हम अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो एलसीएम जो हमने फार्मूला बताया उस बेस पे होगा, कैसे निकाला जाएगा आइए जानते हैं। अगर आपके पास कोई बुक है तो आप उससे क्वेश्चन लगाते रहिए, आपको फायदा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट में, अगर कोई भी प्रश्न आपको दिक्कत हो। बुक में एक प्रश्न है, पूर्णांकों के लिए एक मतलब नंबर दिया है 510 92। इसमें कहा गया है कि जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल और इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों बराबर होंगे। दोनों जैसे ये दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम दोनों बराबर होंगे, ये हमें प्रूफ करके बताना है। तो चलिए कैसे बताते हैं आपको। अब आपको पता है कि 510 को हम पहले और 92, 510 को हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। कैसे, 510 को हम रफ में कर लेंगे कोने पे या फिर लेकर काट देंगे, दो से किया क्योंकि लास्ट में जीरो है, तो क्या आएगा, दो दुनी चार, एक एक ग्यारह या पांच हो जाएगा और ये पांच हो जाएगा 255। अब ये दो से नहीं कटेगा, तो चेक करते हैं क्या ये तीन से कटेगा। तो कैसे करेंगे, हम फिर से नंबर को जोड़ेंगे, पांच पांच दस, दस दो बारह। तो आपको पता होगा बारह तीन से कटता है या नहीं, तो कटता है। तो बारह जब तीन से कटता है तो हम तीन से करेंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, तीन अठे चौबीस और यहां पे एक बचा, फिर यहां पे पांच, तो तीन पचे पंद्रह, पचासी आ गया। फिर अब हम चेक करते हैं आठ पांच तेरह, आपको पता है तीन तेरह से कटता है, सॉरी तेरह तीन से कटेगा नहीं कटेगा। तो अब हम पांच से करते हैं, तो पांच से करेंगे तो यहां सत्रह आ गया, फिर सत्रह से कर देंगे तो यहां पे वन आ गया। तो क्या आ गया, दो गुणे तीन गुणे पांच गुणे सत्रह। अब इसको हम मिटा देते हैं,
अब 92 का हम वही चीज करेंगे, 92 सबसे पहले 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 चौके 8, 1 और 2 6 यानी 2 6 12, फिर 2 से करेंगे तो 23 आ जाएगा। और आपको पता है 23 जो है और किसी संख्या से नहीं कटेगा, केवल 23 से ही कटेगा, तो इसलिए 23 हो गया। अब यहां पे 2 × 2 × 23 आ गया। चलिए ठीक है, अब एचसीएफ हमने आपको बताया है कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होगा, जो संख्या दोनों में कॉमन होगा, यानी केवल ये 2 एक बार कॉमन मिल रहा है तो 2 हो गया। उसके बाद 3 इसमें ढूंढो, है 3 नहीं है 3 तो छोड़ देंगे, 5 ढूंढो इसमें है नहीं है तो छोड़ देंगे, 17 है नहीं है तो छोड़ देंगे। तो जो चीज कॉमन होगा बस वही केवल लिखेंगे। तो एचसीएफ 2 हो गया, और वही हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम हम कैसे निकालते हैं आइए बताते हैं आपको। इसमें देखिए 2 और इसमें 2, इसमें 2 एक बार है और इसमें 2 बार है, तो जिसमें ज्यादा बार रहेगा हम उतनी बार लिख देते हैं। इस वाले में कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार लिख दिया। अब हम 2 का काम खत्म, अब क्या बचा, 3, 3 इसमें एक बार है और इसमें एक बार भी नहीं है, तो जो संख्याएं होंगी चाहे उसमें जितनी बार भी हो तो हम एलसीएम में वो सारी संख्याएं नोट करते हैं, तो इसमें एक बार है तो एक बार लिख दिया। इसी तरह 5, इसी तरह 17, अब और इसी तरह इस वाले लाइन में 23। अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आइए जानते गुणा करके देखते हैं। 2 × 4 × 4 = 12 × 12 = 60, बाकी हम ऐसे नोट कर लेते हैं, 60 × 17 × 23। अब इसका हम फिर से गुणा कर लेते हैं तो 17 × 6 = 102 23। फिर हम इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 23 × 0 = 23 × 46 = 4 और 23 × 1 = 23। तो एलसीएम क्या आ गया, 23,460, और एचसीएफ क्या आया था, 2। अब बस इतना ही काम है एचसीएफ का और एलसीएम का। अब हमें अगर चेक करना है कि ये दोनों बराबर होंगे या नहीं, एचसीएफ एंड एलसीएम चेक करना है बराबर होंगे या नहीं, तो क्या करेंगे, 510 × 92, और यहां पे 2 और इसका मल्टीप्लाई करके दोनों अगर बराबर आ जाता है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये सूत्र सही है या फिर नहीं। तो आप लोग का ये होमवर्क है, आप इसे खुद ट्राई करिएगा कि ये दोनों मल्टीप्लाई करिएगा बराबर। चलिए इसे हम मिटाते हैं, एक बहुत बढ़िया सवाल है, उसको हम आइए करते हैं। 225 और 60 का एचसीएफ जो है, एचसीएफ जो है क्या दिया है, 225 × 5 − 10x। एचसीएफ क्या दिया है, 225 × 5 − 10x। फिर इसमें x का मान पूछा है, x का मान क्या होगा, क्या होगा, तो आइए करते हैं। पहले हम 225 और 60 का एलसीएम निकाल लेते हैं, क्या होगा 225 फॉर एचसीएफ, 225 और 60 का एचसीएफ। तो आपको पता है कि इसी तरह 225 का हम जब करेंगे तो पहले हम 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 321 × 3 = 75, यहां पे 25, यहां पे ये 5 से जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, फिर ये 5 आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। तो यहां पे 225 का क्या होगा, 3 × 3 × 5 × 5। इसी तरह 60 का निकालेंगे तो आ जाएगा क्या, 2 × 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 2 × 4 = 12 × 60, और 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45, और 45 × 5 करेंगे तो क्या आएगा, 225। अब हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, आपको पता है एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हम कॉमन ढूंढते हैं, कॉमन जो दोनों में हो, जैसे 2 इसमें 2 है नहीं है तो छोड़ देंगे, 2 ए भी लेंगे तो नहीं है तो छोड़ देंगे, 3 इसमें है
हाँ एक बार है, तीन यहाँ पे हमने ले लिया, एक तीन ले लिया, अब उसके बाद और कोई तीन नहीं है तो ये तीन छोड़ जाएगा, छोड़ देते। अब इसमें पांच एक बार है, ऊपर वाले में भी पांच एक बार है, तो दोनों ले लिया हमने, बाकी छोड़ देंगे। एससीएफ क्या आ गया, इनका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 15। हमने जब निकाला तो क्या आया 15, और सवाल में क्या दिया है 225 गुणे 5 माइनस 10 एक्स, तो हम क्या करेंगे दोनों एससीएफ बराबर ही होंगे, तो इसलिए हम 225 यहां पे हम 225 गुणे 5 माइनस 10 एक्स बराबर 15, क्योंकि दोनों एससीएफ बराबर होंगे, एक ही क्वेश्चन के दो एससीएफ अगर दिए हैं तो वो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि अलग अलग नहीं हो सकता, इसलिए ये 15 हो गया। अब हम क्या करेंगे इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 225 गुणे 5, 225 गुणे 5 निकालेंगे तो क्या आएगा 2 × 5 = 10, 1025 यानी कि 1125 आएगा, इनका गुणा करेंगे जब क्या आएगा 1125 माइनस 10x बराबर 15। अब क्या करते हैं कि ये माइनस उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, पक्षांतर करने पर अगर कोई चीज प्लस होता है तो उधर जाने पे माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहां जब हमने इसको उधर किया तो ये 1125 इधर ही रह गया और ये 15 हम इधर ले आए, इधर यहाँ पे प्लस में था इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया और ये उधर गया तो 10x हो गया। 1125 में से हमने 15 माइनस किया तो क्या आएगा 25 में से 15 गया 10 यानी 1110 आएगा और ये 10x, तो x 10 या फिर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1110 तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहां पे ये दोनों गुणा में है तो यहां पे जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 1110 बटे 10, तो यहां पे 10 कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 111, तो x का मान हमारा क्या निकल के आएगा 111। उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो कम से कम आप अपने 5 से 10 दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।